हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिलाष गायकवाड़ है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। ये मेरे और मेरे दोस्त हितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त हितेंद्र हमारे कॉलेज के दोस्त मनोहर के घर पार्टी पर गए हुए थे। पार्टी पर हमारे कॉलेज के काफ़ी सारे दोस्त और टीचर भी आए हुए थे। हमने पार्टी में बहुत मज़ा किया। पार्टी देर रात तक चली और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं और हितेंद्र वापस अपने घर के लिए लौटने लगे। मगर हमारे दोस्त मनोहर ने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, तुम लोग कल चले जाना। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि कल मुझे एक ज़रूरी काम है तो मुझे सुबह ही रेडी होकर निकलना होगा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मेरी बात सुनकर मनोहर भी मान गया और हम दोनों, यानी कि मैं और मेरा दोस्त हितेंद्र, मेरी बाइक से वापस घर लौटने लगे। दरअसल हितेंद्र का घर मेरे घर के ठीक सामने ही था, इसीलिए मैं और हितेंद्र एक ही बाइक पर हमारे दोस्त मनोहर के घर पार्टी पर चले गए थे। लौटते हुए मैं बाइक चला रहा था और हितेंद्र मेरी बाइक के पीछे बैठा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और इतनी रात गए रास्ता पूरा खाली हो चुका था, इसीलिए बाइक को तेजी से भगाते हुए आधे घंटे में ही हमने आधा रास्ता पार कर लिया था। और हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते पर मैंने एक औरत को जाते हुए देखा। वो औरत बहुत ही अजीब थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। वो औरत रास्ते पर बहुत ही अजीब ढंग से चल रही थी और तभी वो रास्ते के किनारे एक पेड़ पर चढ़ने लगी। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तभी बाइक पर मेरे पीछे बैठा हितेंद्र जोर से चिल्लाया, भाई जल्दी भाग यहाँ से, ये औरत इंसान नहीं चुड़ैल है, क्योंकि इसके पैर उल्टे हैं। हितेंद्र की बात सुनकर मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और तभी वो चुड़ैल उस पेड़ की एक मोटी टहनी पर जाकर उल्टी लटक गई और हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो देखकर मेरे और हितेंद्र के पसीने छूट गए और हम फौरन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। कुछ ही मिनटों में हम घर पहुँच गए। घर पर उस चुड़ैल के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उस रात घर पर भी मैं अकेला ही था क्योंकि मम्मी पापा एक फंक्शन में गए हुए थे। मैं इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे घर पर ना आ जाए, और यही देखने के लिए मैं खिड़की से घर के बाहर देखने लगा। और तब रास्ते में मुझे वही चुड़ैल दिखाई दी जो तेजी से चलकर हितेंद्र के घर की तरफ जा रही थी। वो देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से खिड़की बंद करके वापस अपने कमरे में आ गया। फिर मैंने हितेंद्र को फ़ोन लगाया मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और फिर सुबह होने तक मैं डरा सहमा अपने बेड पर ही बैठा रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मैं हितेंद्र से मिलने के लिए उसके घर गया तो मुझे पता चला कि हितेंद्र की रात में सोते हुए अपने कमरे में ही मौत हो गई है। वो खबर मिलते ही यकीन मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पहला तो ये कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई थी, और दूसरा कि शायद अब उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं ही था। मैं बहुत डर गया लेकिन फिर कभी भी मुझे वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। पता नहीं उस चुड़ैल ने
मेरे दोस्त को क्यों मारा? यह रहस्य मेरे दोस्त की मौत के साथ ही दफन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे मेरे और मेरे दोस्त हितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विशाल है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसके बारे में मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और मैं और मेरा दोस्त भरी दोपहर आम तोड़ने के लिए निकल जाते थे। तो उस दिन भी हम दोनों आम तोड़ने के लिए भरी दोपहर निकल पड़े। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। अब हम आम के बगीचे में पहुंच चुके थे। फिर हम दोनों एक बड़े आम के पेड़ पर चढ़ने लगे और आम तोड़ने लगे। अभी हम दोनों आम तोड़ ही रहे थे कि तभी बहुत तेज तूफान आ गया। हमें ऐसा लगा कि आम का पेड़ जमीन से उखड़ जाएगा। और तभी हमने देखा कि एक बड़ा विकराल प्रेत हवा में उड़ता हुआ आया और आकर जिस आम के पेड़ पर हम दोनों चढ़े थे, उसी पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ गया। उस प्रेत का भयानक चेहरा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम पसीने से लथपथ हो गए। उस प्रेत के शरीर पर काले काले बाल थे और उस प्रेत के दांत बेहद ही नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे। और तभी उस प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने बड़े बड़े दांतों से दबोच कर एक झटके से उखाड़ कर नीचे फेंक दिया। वो सब देखकर मेरा शरीर कपकपाने लगा और मैं पेड़ से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे दोस्त की अधखाई लाश उसी पेड़ की डाली पर पड़ी थी और वो प्रेत वहाँ नहीं था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई और कुछ समय तक तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैं वहीं बिल्कुल शांत खड़ा था और तभी एक बार फिर काफ़ी तेज तूफान आ गया। वो देखकर मैं समझ गया कि मेरा अब यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है और मुझे खतरा है। फिर मैं फौरन वहाँ से अपने घर की तरफ भागा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आशीष है। ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी स्कूल से छुट्टी हो गई थी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त साथ साथ ही घर जाया करते थे। उस दिन भी जब हम पैदल घर के लिए निकले तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई क्यों ना आज जंगल वाले रास्ते से चलें और आम के बगीचे से कुछ आम भी तोड़ लेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, ठीक है भाई, आज जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। फिर हम दोनों उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। फिर बातें करते करते हम जंगल वाले रास्ते की तरफ पहुंच ही गए थे और फिर कुछ दूर आगे चलने पर ही हमें आम का बगीचा दिखाई पड़ा। तो हम दोनों और तेज तेज चलने लगे और तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि एक कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। हम उस पर गौर न करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई काफ़ी तेज हमारी तरफ आ रहा है। तो झट से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक बिल्ली हमारे साथ साथ चल रही थी। हमें याद आया कि अभी कुछ समय पहले हमारे साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। वो सब देखकर
मैं समझ गया कि हमारे साथ कोई छलावा हो रहा है और हम किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में हैं। और तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई जल्दी भाग यहाँ से, हमें खतरा है। इतना कहते हुए हम दोनों आगे की तरफ मुड़े ही थे कि तभी हमारे पसीने छूट गए। हमने देखा एक 7-8 फीट का विकराल प्रेत हमारे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं और मेरा दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस विकराल प्रेत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे दिल की धड़कनें बेहद ही तेज हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। फिर मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। और अगले दिन जब गांव के किसी को मेरे दोस्त की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली तो पूरे गांव में भगदड़ मच गई। मेरे दोस्त की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसे एक नज़र देख भी नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये थी मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मुरली है, मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पेशे से एक रिक्शा चालक हूँ और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाता हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 महीने पहले घटी थी, जिसके बाद मैंने रिक्शा चलाना ही छोड़ दिया। तो हुआ ये कि हमेशा की तरह उस दिन भी मैं रिक्शा चला रहा था और किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। और तभी सवारी ढूंढते हुए मैं एक सुनसान इलाके में पहुंच गया जहाँ कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। मैंने सोचा था कि इस रास्ते से थोड़ी दूरी तय करने के बाद मुझे इंसानी बस्ती देखने को मिलेगी, पर मैं गलत था। वहाँ दूर दूर तक मुझे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था कि उसी वक्त रास्ते के किनारे मुझे एक औरत दिखी जो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। मैंने उस औरत को रिक्शे में बिठा लिया और उससे पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने दोबारा पूछा मैडम आपको कहाँ जाना है, पर उस औरत का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो औरत बेहद ही भयानक थी और वो औरत हाथ में पकड़े अपने बच्चे का मांस नोच नोच कर खा रही थी। कि तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अपने दांत उस बच्चे के गले में घुसा दिए और उसका सर दर्द से अलग कर दिया। उस औरत के चेहरे पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे और उस औरत के पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। वो देखकर मेरी तो जान ही निकल गई और अचानक मेरा रिक्शा एक पेड़ से टकरा गया, जिस वजह से मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं एक इंसानी बस्ती पर पड़ा हुआ था और मेरे सर पर कोई चोट भी नहीं थी। फिर मैंने ये बात वहाँ मौजूद लोगों को बताई और उस रास्ते के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई सुनसान रास्ता इस पूरे शहर में नहीं है जहाँ दूर दूर तक इंसानी बस्ती ही ना हो। उन लोगों की ये बातें सुनकर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हुआ फिर वो क्या था। कि तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि बेटा तेरे साथ छलावा हुआ है, ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू जिंदा बच गया, वरना वो नरबच्छी डायन तुझे जिंदा नहीं छोड़ती।
उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैं बेहद ही डर गया और फिर उसी दिन से मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। खैर, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजेश है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं अपने कमरे में रात के वक्त सो रहा था। मैं उस दिन अपने घर पर अकेला था, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मायके गए थे। तो जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मेरे घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटे जा रहा था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर मैंने देखा दरवाजे पर एक औरत थी, जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा, मैडम आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है? तो उस औरत ने मुझसे कहा कि थोड़ी दूर पर मेरा घर है और मेरी बेटी को काफ़ी तेज बुखार है, प्लीज आप अपनी कार से हम माँ बेटी को हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। तो मैंने उस औरत से कहा, क्यों नहीं मैम, आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं, चलिए मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। फिर वो औरत मुझे अपने साथ उसके घर ले गई, जहाँ मैंने देखा कि उस औरत का घर बेहद ही पुराना था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहता है। और तो और, मैंने वो घर आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, बल्कि मैं हर रोज उसी रास्ते से गुजरता था। अब मुझे उस औरत पर शंका होने लगी थी और तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। मैंने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक आत्मा की चपेट में हूँ और मुझे खतरा है। लिहाजन मैं उल्टे पांव, अधेर कदमों से बिना उस औरत के घर में घुसे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी वो औरत समझ गई कि मैं उसका राज जान गया हूँ। लिहाजन उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही देर में वो औरत बेहद ही खौफनाक हो गई। उसकी सामान्य आंखें एकदम से सफ़ेद पड़ गई और वो मेरी तरफ ही बढ़ने लगी। मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मैं भी उल्टे पांव धीरे धीरे उस औरत से दूर होता जा रहा था कि तभी एक पत्थर की ठोकर लगने से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और वो औरत मेरे बेहद ही पास आ गई कि तभी मैं जोर जोर से अपने कुल देवता का नाम लेने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी मुझे उस औरत की चीख सुनाई पड़ी। वो इतनी तेज चीखी थी कि मेरे कुछ सेकेंड्स तक कान में सीटी बजने लगी थी। वो चीख सुनकर मैं हाथ से पैर तक कांप गया और झट से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा मैं अपने घर पर हूँ और वो औरत मेरे आसपास कहीं भी नहीं है। फिर उसी रात जब मैं सो रहा था, तब मेरे सपने में मेरे कुल देवता आए और उन्होंने मेरे सपने में मुझे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम गौतम है, आज मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात 2 साल पहले की है। मैं एक कपड़े की दुकान में काम करता था और दुकान बंद करके घर लौटते वक्त मुझे काफ़ी रात हो जाती थी। एक दिन दुकान बंद करके देर रात मैं अपने घर लौट रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी और रोड में भी काफ़ी अंधेरा था, जो माहौल को
और ज़्यादा भयावह बना रहा था। अभी मैं कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी मुझे अपने पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इतनी रात सुनसान रास्ते पर बच्चे की आवाज़ सुनकर मैं बेहद ही डर गया और मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत बच्चे को हाथ में उठाए मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने उस औरत पर ज़्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ने लगा कि तभी मुझे मांस की गंध आने लगी। तो एक बार फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो औरत उस बच्चे का सर खा रही थी और उसने उस बच्चे का आधा सर नोच नोच कर खा लिया था। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं जोर से चीख पड़ा कि तभी उस रास्ते पर एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। उस ट्रक ड्राइवर ने भी उस औरत को देखा तो उसने फौरन ट्रक रोक दिया और ट्रक से एक तलवार निकालकर गाड़ी से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ भागा और फिर उसने वो तलवार उस औरत के सर में घुसा दिया। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो औरत हवा में गायब हो गई और धुआं बन गए। फिर उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उसने मुझे बताया कि ये एक चुड़ैल थी जो तुम्हारा मांस खाने आई थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस आदमी ने बताया कि ये तलवार अभिमंत्रित है और उसका कई बार ऐसी नकारात्मक शक्तियों से सफ़र के दौरान पाला पड़ा है। फिर उस आदमी ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजवीर है, मैं एक पान सुपारी का व्यापारी हूँ। ये मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता था और फिर शाम को कोचिंग पढ़कर घर वापस आता था, जिस वजह से रात के 8-9 बज जाते थे। तो जब एक दिन मेरा बेटा घर आ रहा था तभी रास्ते में उसकी साइकिल कुछ नींबू मिर्ची और कीलों में पड़ गई जो बीच रास्ते में पड़े हुए थे, जिस वजह से मेरे बेटे की साइकिल पंचर भी हो गई। फिर पैदल ही मेरा बेटा घर आने लगा। तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर मेरे बेटे ने उस पर गौर नहीं किया। जब वो घर पहुंचा, तो उसने ये बात मुझे और परिवार के लोगों को बताई। जब हमने ये बात सुनी तो हमारे होश उड़ गए और हम बेहद ही परेशान हो गए, क्योंकि मेरे बेटे के बताए अनुसार उसने नींबू मिर्ची और कीलों पर साइकिल चढ़ा दी थी और बीच रास्ते में लोग इन्हीं सामानों के साथ काला जादू करते हैं। फिर मैं फौरन अपने बेटे को लेकर एक मौलाना के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर मौलाना ने मेरे बच्चे को देखा और कहा कि आपके बच्चे की तो पहले ही मौत हो चुकी है, ये तो उसका रूप लेकर आपके घर पर शैतान आ गया है। फिर मौलाना ने एक मंत्र फूंक कर मेरे बच्चे के ऊपर मारा तो वो एकदम से भयानक विकराल शैतान बन गया और जोर जोर से ठहाके लगाने लगा कि तभी उन मौलाना ने उस शैतान की रूह को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और फिर उन मौलाना ने मुझे उसी रास्ते का पता बताया जहां मेरे बेटे ने उस काले जादू पर साइकिल चढ़ाई थी। फिर मैं फौरन ही उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बेटे की लाश उसी काले जादू के ऊपर बीच रास्ते में पड़ी थी और मेरे बेटे की आंखों की पुतलियां गायब थी।
वो देखकर मैं सिर्फ कहने को जिंदा बचा हूँ, वरना अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद अब मेरा जीवन अर्थहीन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे मेरे बेटे के साथ घटी सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।